जी इस वक्त मैं हूँ अलातू स्क्वायर बिश्केक किर्गिस्तान में, और अभी मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ। इनका एक बड़ा मशहूर पार्क है। टुडे इज़ माय 12th डे हेयर। तो 12 दिनों के बाद मुझे यहाँ 14 दिन गुजारने हैं, और उसके बाद फिर मुझे मस्कत ट्रैवल करना है वाया यूएई। तो मैं अभी आपको साथ साथ वॉक करते हुए, जब तक कि मैं पार्क की तरफ जा रहा हूँ, आपको कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा। यहाँ देखें, सड़क के किनारे ये छोटी छोटी सी वाटर चैनल बनाए हुए हैं, जिसके अंदर पानी जाता रहता है और उसे इरिगेशन होती है। साथ में ये ग्रीन बेल्ट है और ये पेडेस्ट्रियन एरिया है, नीट एंड क्लीन। एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग, सफाई सुथराई और बहुत ही कूल एंड काम किस्म के लोग। इस जगह को एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, अगर आप आजकल किर्गिस्तान आना चाहें तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ वीज़ा, जो कि 8.5 से 9 हज़ार के दरमियान है, और फिर कराची से बिश्केक की फ़्लाइट जो कि वाया दुबई आती है, 80 से 85 हज़ार रुपये कॉस्ट करती है। यहाँ हर तरह की अकोमोडेशन अवेलेबल है, चाहे आप सिंगल रूम लेना चाहें, डबल लेना चाहें, 3 बेड लेना चाहें। इसके अलावा थोड़ा सा लोग जो प्रेफर करते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन, वो ये होता है कि यहाँ डॉर्मेट्री टाइप के रूम्स मिलते हैं, जिसमें बंक बेड्स लगे होते हैं, और उसमें आप मतलब अपना गुजारा कर सकते हैं, और वो $7 कॉस्ट करता है पर नाइट। तो इतना सस्ता अरेंजमेंट तो पाकिस्तान में भी नहीं होता। तो ये है वो पार्क जिसके लिए मैं भी वॉक कर रहा था। नाम इस पार्क का तो फ़िलहाल नहीं पता, बिश्केक का मेन पार्क आप कह सकते हैं इसको, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त। और ये देखें, पीपल आर बिज़ी मेकिंग देयर वीडियोस। इस वक्त यहाँ टेम्परेचर 25-26 है। जी इजाज़ भाई, कैसा लगा आपको ये पार्क? जी ये बहुत अच्छा पार्क है माशाल्लाह। और आप तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता, अगर आप रोड साइड की बजाय इधर आते हैं तो ये थ्रू आउट 3 किलोमीटर, माशाल्लाह बहुत लंबा पार्क है। और हर वक्त आपको छांव मिलता है, हरियाली मिलती है, माशाल्लाह बहुत मज़े की। वो छोटी सी हार्स देख ली, हार्स का बच्चा जन्नत के लिए। अच्छा एजाज भाई, आप मस्कत कह रहा हूँ, बिश्केक आपने मोर और लेस पैदल आपने पूरा घूम लिया है, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी जगहें पसंद आई, आप कौन कौन सी जगहें रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई यहाँ आता है तो उसको विजिट करे? यार वही अलातू स्क्वायर, इसके अलावा ये बिश्केक पार्क, अलातू स्क्वायर के पीछे एक एक्सटेंडेड पार्क है वो बहुत अच्छा है, गोश बाजार ट्रेडिशनल है वो अच्छा है, बाकी आपको गली कुचू में खूबसूरती मिलेगी, आपको गली कुचू में अच्छी एक एनवायरनमेंट मिलेगा वॉक करने का, उससे पास होने का अपना एक्सपीरियंस है, बेहतरीन टेम्परेचर है, घूमने को दिल करता है, पसीना आपको नहीं आता। कल मैं अल्हम्दुलिल्लाह 17 किलोमीटर चला हूँ, मुझे पसीना नहीं आया, तो यही मज़ा है बिश्केक। फारूक भाई, कुछ फूड के हिसाब से कुछ बताइएगा, आप तो माशाल्लाह काफ़ी जगहों पे हमें लेकर भी गए और बहुत सा मुख्तलिफ किस्म का फूड भी आपने ट्राई करवाया, तो कोई नए आने वालों के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन? फैसल भाई आपके साथ साथ ही घूमे हैं सारा, तो फूड इधर बेसिकली सारे अवेलेबल हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है और टर्किश फूड बड़े फेमस हैं, उनकी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं हर जगह पे, हर आपको चौक पे उनकी कुछ ना कुछ कैफेटेरिया रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। लोकल फूड भी हैं, कॉन्टीनेंटल भी सारे अवेलेबल हैं, मुश्किल नहीं होती खाने पीने की चूज़ करने के लिए, आपको वैरायटी मिल जाती है। और प्राइसिंग के हिसाब से आप क्या कहेंगे? प्राइस वेरी चीप, अफोर्डेबल, मैं
आई वुड रिकमेंड वेरी चीप टूरिज्म एंड वेरी प्लेजेंट वन। इधर मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है कि जैसे यहाँ पे पार्क में हम खड़े हैं और ये पार्क वो 3-4 किलोमीटर लॉन्ग है, बीच में से मेन रोड्स भी गुजर रही हैं और बेहतरीन मौसम है, दरख्त बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं, ग्रीन बेल्ट है, वॉकिंग ट्रैक देखें 2 बड़े बड़े वॉकिंग ट्रैक इधर भी मौजूद हैं, तो आप सुबह या शाम के वक्त जब भी मौसम अच्छा होता है वॉक कर सकते हैं और बेहतरीन नज़ारा है, मौसम अच्छा है, फैसिलिटीज़ इधर हैं, लोग अच्छे हैं, टेम्परामेंट लोगों का बहुत अच्छा है, सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर है लेकिन डिस्पाइट दैट लैंग्वेज बैरियर लोग कोऑपरेटिव हैं इधर, आपको वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो बात आप उनसे पूछें आपको समझाएं, तो आई एम एंजॉयिंग टाइम हियर ओवर हियर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया फारूक भाई। अच्छा एजाज भाई, आपने जो ये तो एजाज भाई वैसे हमारे ग्रुप में माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और किसी भी किस्म की आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत हो तो ये फ़ौरन से अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ौरन से उसको मतलब बुक कर लेते हैं। तो एजाज भाई को अकोमोडेशन के बारे में बताएंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, मतलब चीप है, एवरेज है, कॉस्टली है? बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको सब कुछ तकरीबन booking.com पे मिल जाता है। मोस्टली यहाँ की होटल्स तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको बहुत सी वैरायटी नज़र आ जाती है, तो booking.com पे जो मोर ऑर लेस जो तस्वीरें है वही इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है, कूल काम आराम से, और प्राइसेस इनकी बड़ी मुनासिब है, मतलब आप पाकिस्तानी 2000 रुपये में यहाँ पे एक पीसफुल जगह में आराम से नाइट गुजार सकते हैं और सफाई सुथराई बेहतरीन और नॉइज़ नहीं होता, मतलब होटल में रिकमेंड करता हूँ। आई विश कि बिश्केक जैसे होटल्स मुनासिब अफोर्डेबल पूरी दुनिया में टूरिस्ट प्लेसेस पे होते तो शायद लोगों को इतनी मुश्किल ना हो। और यहाँ की ट्रांसपोर्ट सर्विस, टैक्सी सर्विस, बस सर्विस, आप इससे मुतमईन हैं? अगर आप 10 सोम दे देते हैं तो आप पूरा बिश्केक घूम सकते हैं, आपको जहाँ उतरना हो आप उनको आवाज़ देंगे, अदरवाइज ये आपको लेके जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है और चूँकि इलेक्ट्रिक है तो मेरे ख्याल से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इस तरह से कि फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पर कम है। छोटी बसेस भी मिलती है, टैक्सी है यहाँ पे, यांडेक्स गो जो सर्विस है बिल्कुल करीम की तरह या आप कह लें कि अपने ऊबर की तरह, तो वो भी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल है, अगर आपको मतलब पाकिस्तान से बहुत कम रेट्स में आपको इधर एक अच्छी ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिल सकती है हर लिहाज से। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, शुक्रिया। अच्छा जी, तो मैं अभी इस पार्क को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा फारूक भाई के साथ साथ और एजाज भाई के साथ साथ, राइड भी है और यहाँ पे मस्कत में भी मैंने यहाँ देखा है, वहाँ तो खैर है ही, और यहाँ पे भी एक पोनी छोटा घोड़ा, और ये अभी एक गिरा है कोई बीज वगैरह, तो ये नट्स हैं, नहीं आई थिंक ये कुछ चनार के साथ लगे हुए हैं, ये कुछ चलगोजा तो नहीं कह सकते इसको, नहीं नहीं ये चलगोजा तो देखने के $20 होते हैं। तो क्यों एजाज भाई, पाकिस्तान में सुना है चलगोजा देखने के $20 होते हैं, बस फोटो उतार के आप रखने जेब में। बाकी पता है ये रहा जनाब घोड़ा, छोटा सा पोनी हॉर्स, जरा अंदाजा करें कि ठंडा मौसम हो, ऐसे दरख्त हो, ऐसा वॉकिंग ट्रैक हो तो, और साथ में आपके रेजिडेंस भी हो, तो कितना ज़बरदस्त आपको एक फील होगा, फ्रेश एयर, कूल एंड काम एनवायरनमेंट। जी फारूक भाई, कुछ प्लान बना आपका राइड करने का? नहीं यार, वो नहीं, छोटा है, हम बड़े हैं। शर्म आती है, बच्चे हो तो उनके लिए ठीक है, इब्राहिम के लिए रिकमेंडेड। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ के लोग मतलब थ्रू देयर फेशियल एक्सप्रेशंस दे लुक क्वाइट कूल एंड काम, परेशानी नजर नहीं आती, वैसे दुनिया में हर शख्स परेशान है लेकिन जैसे हम परेशान नजर आते हैं बाहर घूमते फिरते, तो ऐसा इनके चेहरों से नजर नहीं आता। मस्कत के बाद मैंने इधर लोगों को थोड़ा सा पीसफुल पाया, और उसकी शायद रीजन ये है कि मस्कत में तो
जो थोड़ी बहुत परेशानी आजकल लगी होती है वो है कि जी जॉब सिक्योरिटी और ये फ्लाइट्स वगैरह की अनसर्टिनिटी। अदरवाइज मस्कत इज़ अ पीसफुल प्लेस। और उसके बाद यहाँ मैंने लोगों को हंसते हुए पाया, खुश पाया, काम पाया। कोई भी मतलब ना इनके एक्सप्रेशन से ना इनकी बातों से आपको लगेगा कि ये गुस्से में है, ये परेशानी है। बस स्मोकिंग है यहाँ पे जो कि मोर देन यूजुअल है, विच इज़ समथिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्लेस। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज़ कूल। तो फारूक भाई, आपको कहा जाए कि 10 में से नंबर दें इस जगह को, तो कितने नंबर देंगे आप? मतलब किर्गिस्तान एज अ कंट्री 8+। जी जास भाई, आप मोर ऑर लेस सिमिलर, आई वुड गिव इट 8। तो जी, हमने 80% मार्क्स दिए हैं। मेरा भी कहना यही है कि 80%, 8 out of 10। उसकी रीजन है ना फैसल भाई कि आपको जो फैसिलिटीज चाहिए एज अ टूरिस्ट, एज अ फॉरनर, वो आपको मिल रही हैं और हर जगह पे अवेलेबल हैं। आप अकोमोडेशन अवेलेबल है, फूड पॉइंट जो बड़ा मसला होता है एक फॉरनर के लिए जो आता है किसी दूसरी जगह पे, तो वो जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए होती हैं वो एट अ वेरी लो कॉस्ट आपको मिल रही हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट पे। तो दैट्स समथिंग वंडरफुल अबाउट दिस प्लेस। फारूक भाई, हाउ डिड यू मैनेज टू कम ओवर हेयर? आपने कैसे मतलब वीज़ा अप्लाई किया और मतलब किस रूट से आप आए? वीज़ा तो आपको पता है, जैसे हम 14 डेज मस्त था इन अ थर्ड कंट्री, तो वो उस हिसाब से हम चले थे कि वापस मस्कत पहुँच रहे हैं। तो वी कॉन्टेक्टेड आवर फ्रेंड यू नो मिस्टर सबैयल, ही इज़ डूइंग दिस जॉब दिस डे, तो उसने सारा वीज़ा वगैरह हमारे लिए अरेंज किया। तो मैंने और एजाज भाई ने डिसाइड किया कि हम, क्योंकि हमें मुल्तान से फ्लाइट दुबई की मिली थी फ़्लाइट, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि रावलपिंडी से हम आगे जाएंगे वाया बस। तो मैं राहुल दोनों हम उधर पहुंच गए, उधर से मुल्तान पहुंचे और उधर से फ्लाई करके हम ये वाया दुबई, फ्लाई दुबई की फ़्लाइट से बिश्केक आ गए। दो इट वाज टायरिंग जर्नी, बट वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस और बहुत सारा थक गए, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, नई जगह देखी, नए लोग देखे। और खासतौर पर जब हम बिश्केक पहुँचे तो हमें रिलीफ मिला के हम अच्छी जगह पर पहुंच गए और 14 डेज हमारे इधर जो है वो अच्छा टाइम, अच्छा वक्त गुजरेगा। तो वी आर एंजॉइंग आवर टाइम, दो वी आर वेटिंग 14 डेज टाइम विल फिनिश एंड वी विल बी गेट बैक टू मस्कत। इंतज़ार तो है लेकिन अच्छा वक्त गुजर रहा है, अच्छे माहौल में, अच्छी जगह पे। दैट्स समथिंग वंडरफुल। ब्लेसिंग है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ग्रुप में आए, तो इन एडिशन टू The blessings of this place, we enjoyed each other's company. हमने भी कोई तकरीबन 2 महीने से दूर रहे थे कैंपस में, हम इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी बातें थी जो हमें एक दूसरे के साथ करनी थी, मजाक था। माशाल्लाह फारूक भाई की उसमें एक्सपीरियंस आ जाता है, फैसल भाई का भी उसमें आ जाता है, तो हर कोई अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, हमें एक दूसरे आ जाते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब की जो थेरीज है मतलब फैसल भाई की, वो मशहूर है, कोने कोने से मुझे सवालात आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कोई नई थ्योरी बनाई या नहीं बनाई बिश्केक में। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे को एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो हमें प्लस पॉइंट रहा। हमने इंजॉय किया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, जो कि शायद एक अकेला बंदा इतना ना कर सके अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने किया है। तो वो कॉस्ट वाइज भी अच्छा हुआ क्योंकि आपकी शेयरिंग में होती है, फूड हो, लिविंग हो, और वैसे भी टाइम भी अच्छा गुजर जाता है क्योंकि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, टेम्परमेंट से वाकिफ है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा। जी ज़बरदस्त, देखें सीन, देखें कितना ज़बरदस्त है, और जगह जगह इन्होंने अपने मॉन्यूमेंट वो बनाए हुए हैं। ये छोटी छोटी गाड़ियों में मूविंग मोबाइल टच शॉप्स बनी हुई हैं उसको उधर की राइट साइड, और ये दोनों तरफ वैसे अगर मैं बिश्केक आके वैसे ही चला जाता ये पार्क देखे बगैर, तो मुझे फील होता कि मैंने कुछ बहुत कुछ जाया किया है, आई मीन मिस किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू इजाज़ भाई। Thank you.
इधर के परिंदे भी बड़े फ्रेंडली हैं। हाँ जी, कबूतर भी बड़े शांत कैप्चर किया, कुत्ते भी बड़े शांत थे। स्ट्रे डॉग्स हमें नजर आए हैं लेकिन वो उतना प्रॉब्लम नहीं करते, बड़े और फ्रेंडली डॉग्स हैं, फ्रेंडली डॉग्स हैं। बेहतरीन, अगर मैं शायद पहले दिन यहाँ आ गया होता तो फिर मैं इधर ही बार बार आता, रोजाना आता। ये बार बार आने वाली जगह है जी, यहाँ से जाए और फिर दोबारा राइट ले ली। यानी आप इतना बड़ा पार्क है, अगर आप इसमें वॉक करें और एक एंड से दूसरे एंड पे जाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट लुक एट इट, ये गुलहरियों के लिए लोगों ने ये जगह बनाई हुई है, इसमें रोटियां रख देते हैं स्क्वेरल्स, गुलहरियां यहाँ आती हैं और वो खाती हैं। वाव, लुक एट द जंगल। लैंग्वेज बैरियर का बड़ा प्रॉब्लम है, प्रिंट लेना है। अच्छा, आप ऐसे करें ना, मेन रोड पे लिख ले जो आगे हो, और आगे जाए 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 तो एक टनल आएगा। अच्छा ठीक है, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के बाद नीचे, वो जो मैक पिज़्ज़ा के बाद आपको एक नीचे टनल है। हाँ जी, टनल में जाएंगे तो वहाँ से प्रिंट, उसके अंदर तीन चार पाँच दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें जा रहे हैं ना, वहाँ मोबाइल से करीब। यहाँ ये छोटे छोटे स्टॉल आपको पूरे बिश्केक में नज़र आएंगे, और ये लोग यहाँ का ट्रेडिशनल शरबत बेचते हैं और बड़ा मज़े का होता है। दो तीन दफ़ा मैंने ट्राई किया है, इसमें आड़ू आलू बुखारा उसका टेस्ट आता है। जी जनाब, ये देखें, बड़े अच्छे अच्छे पौधे। अब हम इस पार्क के तकरीबन करीब करीब दूसरे सिरे पर हैं जहाँ ये ख़त्म हो रहा है। ये तमाम रियासतें सोवियत यूनियन से अलग हुई, लेकिन अगर आप देखें तो इनमें उस दौर के बहुत सारे आपको मुजस्मे और मोनूमेंट्स वगैरह नज़र आते हैं, क्योंकि कम्युनिज्म का दौर था, लोगों को थोड़ा सा दबा के रखते थे और जगह जगह हुक्मरान अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए इस तरह के अपने मुजस्मे बना के जगह जगह लगवाते थे। तो ये आप देखें, एक मुजस्मा उन्हीं में से, ये भी है। अब ये घोड़े, हाँ जी, तो ये परिंदा तस्वीर का हिस्सा नहीं है, बस आगे बैठ गया है। अब ये कौन साहब हैं और किसकी याद में ये बनाया गया है, आई हैव नो आइडिया। बैठा है, बैठा है, खिला है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी लोकेशन के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।